मैंने पहले ही आपसे कहा था कि ये बेजोड़ शादी और बेजोड़ शादियां नाकाम हो जाती हैं, मगर मेरी सुनता ही कौन है? रिश्तों में दरार नियत और रवैये के फर्क से पड़ता है कुबरा बेगम, मेरे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये सब अचानक क्यों हो गया। मैं और आप काफियों को अच्छी तरह से जानते हैं, वो रिश्तों को निभाना जानती, न जाने कब से क्या कुछ बर्दाश्त कर रही होगी। तुम यहाँ क्यों आ गई? जाओ काफिया के पास बैठो। वो आप भी कुछ देर अकेली रहना चाहती हैं, उन्होंने मुझे खुद जाने के लिए बोला। न जाने उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा होगा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी इस मासूम सी बच्ची के ऊपर इतना कठिन वक्त पड़ेगा। फर्रुख तुमने अच्छा नहीं किया उसने। अब फर्रुख से बात तो करें, कोई तो वजह होगी। कुछ बात करने लायक छोड़ा उसने? क्या बात कर, उसने तुम्हारी बेटी को तलाक देकर घर भेज दिया है। क्या किया रानी, तू गाने के मुकाबले में हार गई। तू तो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा गुलकार समझती है और उन लल्लू पंजों से मात खा गई, और ऐसी मात के आवाज भी ना निकली। ये क्या बात हुई, ये किस तरह का एंड है? तो मुझे प्लीज बताए ना कि अब अगली एपिसोड में क्या होगा। अरे बाबा, अगला एपिसोड देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। वेट करो ना। तो अगर आप बता देंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा ना बताएं, मुझे एक बात ये बताएं कि आप मुझसे अपने सीरियल्स में एक्टिंग क्यों नहीं करवाते? एंड प्लीज डोंट से कि मैं आपकी किसी भी एक्ट्रेस से कम हूँ, बिकॉज़ आई एम नॉट। तुम अपना मुकाबला इनके साथ क्यों करती हो भाई? जो बात तुम में है वो इनमें से किसी में नहीं, और अगर होती तो आज तुम्हारी जगह इनमें से कोई यहाँ बैठा होता मेरे पास, तुम ना होती। और रही बात ड्रामों की, तो टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हें कोई देखे या तुमसे बात करे मेरे अलावा। तुमसे मोहब्बत करने और लड़ने का हक सिर्फ और सिर्फ मुझे, चाहे वो हकीकत हो या ड्रामा। वाओ, अपने सीरियल्स में आप एक्टिंग खुद क्यों नहीं करते और उसे क्यों करवाते? यू आर अमेजिंग एट डायलॉग्स। मैं सोच रहा हूँ अगले ड्रामे में खुद ही हीरो आ जाऊं इसके साथ। लेटी रहो बेटा, मैं जाने खुदा को क्या मंजूर था जो तुम्हें इतनी बड़ी आजमाइश से गुजार रहा है, मगर बेटा तुम अपने को एक लम्हे के लिए भी अकेला मत समझना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम हमारे लिए वैसी काफिया हो जैसी पहले थी। उठ, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। मम्मी मुझे भूख नहीं है, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। एक ऐसे शख्स के लिए जिसकी आंख में जरा भर लिहाज ना हो, उसके लिए खुद को अजियत मत दो। उसने जो करना था वो कर दिया, जो हुआ सो हुआ, उसे भूलना बहुत मुश्किल है। मगर बेटा हम जिंदगी को रोक तो नहीं सकते ना। बहरहाल तुम्हारी मर्जी, तुम आराम करो, जब दिल करे मुझे बता देना, मैं खाना लगवा दूंगी। फर्रुख, there's nothing to worry about. At least I'm happy कि अब हमें कुछ उम्मीद तो है। मैंने इस दफा जो काफिया को दवाइयाँ लिख कर दी हैं, उसमें मुझे बहुत उम्मीदें हैं। It's suiting her pretty well.
और जब मैंने उसको ये बात बताई तो वो बहुत खुश थी। काफिया आई थी अपने भाई के साथ मेरे पास, बिकॉज गालिबन आप शूटिंग्स पर बिजी थे तो आप शहर से बाहर गए हुए थे। इनफैक्ट उसने मुझे मना किया था कि मेरे हस्बैंड को ही मत बताइएगा, क्योंकि वही सरप्राइज आपको खुद देना चाहती थी। वैसे आई मस्ट से यू आर लकी मैन कि तुम्हें काफिया जैसी बीवी मिली, क्योंकि ऐसे केसेस में अमूमन औरतें डिसहार्ट हो जाती हैं और होप लूज कर देती हैं। फारूक, देयर्स नथिंग टू वरी अबाउट, एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि अब हमें कुछ उम्मीद तो है। जब मैंने उसको ये बात बताई तो वो बहुत खुश थी। कौन चाहता है कि तुम यहाँ पे रहो, और स्पेशली इस हरकत के बाद तो मैं चाहता ही नहीं हूँ कि तुम यहाँ रहो। क्या चाहते हैं आप? मुनासिब यही है कि हम दोनों महज़ब लोगों की तरह एक दूसरे को छोड़ दें। इतनी सी बात पर मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। सुबह से ये वक्त हो गया और आप ही ने एक गिलास पानी तक नहीं पिया। देखो समन, वो किसी मामूली हादसे से नहीं गुजरी है, खुद से कभी भी नहीं खाएगी, उसे जिद करके खिलाना पड़ेगा। और ये आप भी जानते हैं कि आप ही के साथ आपके अलावा कोई भी जिद नहीं कर सकता, इसीलिए आपको फोन कर रही हूँ। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं आता हूँ। और हाँ, बस तुम अंकल आंटी का ख्याल रखो, आई एम श्योर कि उन्होंने भी कुछ नहीं खाया होगा। जी बिल्कुल ठीक है, बस मैं पहुंच रहा हूँ। नाइस सरप्राइज। मैं तुम्हारी तरफ ही आने वाली थी, तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? क्या हुआ फारूक? फारूक सब ठीक तो है, हुआ क्या है? बर्बाद हो गया सब कुछ, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अपने ही हाथों से सब कुछ खत्म कर दिया मैंने। क्या कह रहे हो तुम, बताओ ना मुझे क्या हुआ? मैं काफी को डाइवोर्स दे। देखो मैं मानता हूं कि तुम्हें बहुत दुख हुआ है, मगर खाना छोड़ देना कोई हल तो नहीं है ना? मुझे भूख नहीं है। बच्चों जैसी बातें मत करो काफिया, खुद को अजियत मत दो। देखो जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। लेकिन नुकसान तो सिर्फ मेरा हुआ है। मैं मानता हूँ काफिया, मैं मानता हूँ कि तुम्हारा नुकसान हुआ है, मगर इसकी सजा तुम किसे दे रही हो? खुद को, अंकल आंटी को, अपनी बहन समन को, और वो भी उस शख्स के लिए जिसने एक लम्हे को भी ये ना सोचा कि वो क्या कह रहा है और किसे कह रहा है। देखो ये तुम्हारा जाती मामला है और ना ही मेरा उस शख्स से कोई लेन देन है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि जो कुछ भी किया उसने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, और तुम्हें उस शख्स के लिए अपने आप को और अपने घर वालों को तकलीफ पहुँचाने का कोई हक नहीं है, समझे तुम? चलो उठो, खाना खाओ, खाना तुम्हारा वेट कर रहा है, चलो आओ। अरे आओ ना यार, चलो आ जाओ।
का पेट रहन से चक्कर आते हैं। चलो समझ में नहीं आया कि ये सब कैसे हो गया मुझसे। काश मैं काफिया की बात सुन लेता। रुख, अब पछताने से कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हारी हमायत नहीं कर रही, मगर तुमने जो किया ठीक नहीं किया। पता नहीं तुम मर्द लोग जिस बाती हो गए इतना बड़ा फैसला इतनी आसानी से कर लेते हो। I don't know, उस वक्त मेरे दिमाग ने काम ही करना बंद कर दिया था। और उस वक्त तुमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर डाला। जिंदगी इतनी आसान नहीं जितनी हम समझते। ये फैसला तुम्हारा था, पता नहीं तुम्हें ये फैसला करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, मगर अब तुमने ये फैसला कर लिया है और वापसी का कोई रास्ता नहीं। अब बस भी करो फारूख। राइट। मैं पहले कुछ खाने को लाती हूँ। नहीं मुझे भूख नहीं, मैं बस जा रहा हूँ, बस चलता हूँ। पागल हो गए फारूख, इस हालत में कहाँ जाओगे? मैं चला जाऊंगा, तुम फिक्र ना करो। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। It's all right. I can drive. ठीक हूँ मैं। I'm fine. तुम फिक्र मत करो। बेटा परेशान मत, रो मत, हम हैं ना तुम्हारे साथ। और फिर हमारे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। बैठ जाओ। चलो अब खाना खाओ, बैठो बैठो बैठो। शाबाश।
तुम यहाँ क्यों आए? जी मुझे काफिया से मिलना है। मगर किस नाते से? तुम यहां से चले जाओ फर्रू, वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं नाला हूं उन पे, मेरा उससे मिलना जरूरी है। मैंने कहा ना ये मुमकिन नहीं है, और वैसे भी जो कुछ तुमने उसके साथ किया है उसका तुमसे मिलना बनता नहीं है। अबू इन्हें आने दीजिए। देखो काफिया, मैं जानता हूं कि मैंने तुम पे बहुत जुल्म किया है, और इसके बाद मैं किसी भी किस्म की माफी का हकदार नहीं हूं। सारा कसूर मेरा है और मैं हर किस्म की सजा के लिए तैयार हूं। प्लीज काफिया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम जानती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, और मैं ये भी मानता हूं कि गलती हुई है मुझसे, और मैं इस गलती की तलाफी करने को तैयार हूं। देखो हम 3 साल से साथ हैं, ये 3 लफ्ज इस रिश्ते को कैसे खत्म कर सकते हैं? ये तो आपको वो 3 लफ्ज बोलने से पहले सोचना चाहिए था। बात रिश्ता खत्म होने या ना होने की नहीं है, आपने मुझ पे मेरे किरदार पे एक ऐसे आदमी के लिए शक किया जैसे मैं अपना भाई समझती। रही बात गलती की तलाफी की, तो कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी तलाफी करना नामुमकिन हो जाता है। ठीक कह रही हो, तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन सच पूछो तो मुझे अपनी कोताही का एहसास हो गया है। जब से तुम यहां आई हो वो एक एक पल आजाब की तरह गुजर रहा है मुझ पे। देखो तुमने भी तो मुझसे मोहब्बत की है, क्या तुम उस मोहब्बत के बदले एक मौका नहीं दे सकती हो मुझे? किस मोहब्बत की बात कर रहे हो? वो मोहब्बत जिसके बदले में आपने मुझको मेरी ही नजर में एक पल में गिरा दिया? I'm sorry. I'm extremely sorry. Please, कोई तो रास्ता हो। जिस मोड़ पे आपने मुझे ला खड़ा किया है वहां से कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक बंद गली है। एक ऐसी बंद गली जहां से ना तो वापस जाने का कोई रास्ता है ना ही आगे बढ़ने का। बेहतर यही होगा कि आप यहां से प्लीज चले जाइए। कम ऑन काफिया। फारूक प्लीज जस्ट लीव, आपसे कोई बात नहीं करनी। उसका दिमाग खराब हो गया काफिया, अब क्या चाहता है वो? माफी मांग रहा था। अरे किस उम्मीद पर?
उसने गलती नहीं गुनाह किया है काफिया। मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि तुमने उसे इतनी बातें करने का मौका कैसे दे दिया। तो और क्या करती मैं? आई डोंट नो, मगर एक बात तुम भी जानती हो काफिया, कि एक लम्हे में उसने अपने और तुम्हारे दरमियान इतने फासले बढ़ा दिए कि जिन्हें कम करना नामुमकिन है। पता, ये सब कुछ एक बहुत बुरा ख्वाब सा लगता है मुझे। कैसा ख्वाब जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। ये कोई ख्वाब नहीं है काफिया, हकीकत है। ऐसी हकीकत जिसे जितनी जल्दी तस्लीम कर लिया जाए उतना ही बेहतर है। बहरहाल तुम आराम करो, कल सुबह की फ्लाइट से अम्मी भी आ रही हैं, उन्हें लेकर आऊंगा तुम्हारे पास। कितनी खुश थी ना मैं ये जानकर कि तुम उस समय नहीं होने वाले हो। इस हादसे ने तो एक पल में सब कुछ बिगाड़ दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। तो बेहतर तो यही होगा कि उन खुशियों को फिर से याद करके उस हादसे को भुलाने की कोशिश करो। चलो सो जाओ, रात बहुत हो रही है। गुड नाइट। बाय। कहाँ गई थी तुम इसके साथ? कहाँ गई थी? तुम झूठ मत बोलना मेरे साथ। झूठ मत बोलना मेरे साथ। क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम कहाँ गई थी इसके साथ। कहाँ लेकर गए थे तुम इसको? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम खान को गलतफहमी का शिकार हो रहे हो। बिल्कुल कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे। तुम दोनों क्या समझते हो? तुम दोनों इस तरह हदें पार करते रहोगे और मैं बाहर तमाशाइयों की तरह बैठ के तमाशा देखता रहूंगा। कि सोच इतनी गिर सकती है, मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मैं भी नहीं सोच सकता था कि तुम इतनी गिर जाओ कि मेरे होते हुए तुम मुनासिब यही है कि हम दोनों महजब लोगों की तरह एक दूसरे को छोड़ दें। इतनी सी बात पर मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं आ रहा हूं, हाँ मैं आ रहा ज्यादा किसी बात का स्ट्रेस लिया है, इसी वजह से इनका बीपी शूट कर गया। बट शी इज फाइन नाउ।
ये दवाइयाँ मैंने ली थी, ये नहीं दे दीजिएगा। इंजेक्शन मैंने लगा दिए, आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। जी बिल्कुल। बाय। आप लोग जाए आराम करें, मैं इसके पास। मामा आप ही के पास मैं रहती हूँ, आप लोग जाकर आराम कीजिए, मैं वैसे भी जाग रही हूँ। क्या हुआ काफिया को? वो बात दरअसल ये कि यूं अचानक, वो मेरा मतलब है पहले ऐसे कभी नहीं हुआ ना। बस ये समझ लो बेटा कि इस घर पे कयामत सी गुजर गई। फरुख ने काफिया को तलाक दे दी। क्या?